हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में एमपी पटवारी परीक्षा एनालिसिस 21 मार्च के फर्स्ट चैप्टर के एकदम रियल क्वेश्चन जो पूछे गए थे वही क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जिन लोगों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए एकदम रियल क्वेश्चन, जिससे मैं आने वाले शिफ्टों में एनालिसिस करा सकता हूँ। और फ्रेंड्स, आज जिन लोगों ने क्वेश्चन बताए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जैसे कि राकेश है, दिनेश है, संजय है, वीरू है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी है जो महाराष्ट्र में गुजरात से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है, फिर मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र के बीच में सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से के बीच गुजरती है। फ्रेंड्स, यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है, नर्मदा नदी घाटी जो सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांची का स्तूप किस राजा ने बनवाया था। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा इसका, अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने, सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का महान प्रमुख स्तूप मूल सम्राट अशोक महान की तीसरी सती ईसा पूर्व में बनवाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीवन कष्ट दुखों से भरा है यह कथन किसका है। तो फ्रेंड, राइट आंसर है गौतम बुद्ध का। किसका है? गौतम बुद्ध का है राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जो गौतम बुद्ध ने सिखाया था कि जीवन दुख और दुख से सुख और दुख से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022-2021 में किसे मिला। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला था। कब? 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 16वां संविधान संशोधन समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। इसे हिसार जिले में सरस्वती तथा पद्मावती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है, जो राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के भारतीय क्षेत्रों में धोलभीरा के बाद थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि 2030 में एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होंगे। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा इसका दोहा, कतर दोहा में होंगे। तो फ्रेंड्स, कतर की राजधानी दोहा 2030 में एशियन गेम्स को होस्ट करेगा। वहीं सऊदी अरब की राजधानी रियाद 2034 में एशियन गेम्स खेले जाएंगे। ओलंपिक काउंसिलिंग ऑफ एशिया को बुधवार की घोषणा की गई है। ओके फ्रेंड्स, देखो 2034 में कहाँ पर खेले जाएंगे तो एशियन गेम्स खेले जाएंगे रियाद में, और 2023 में कतर दोहा में खेले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग में ICC के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा जैसा। कौन है? जैसा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट को बढ़ावा देने और एशिया में क्रिकेट को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अधीनस्थ परिषद महाद्वीप की क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय है, और वर्तमान में 25 सदस्य संघ के होते हैं। सहराज खान एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, अगर अध्यक्ष पूछे जाए तो सहरा खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-2022 में टैक्स ब्लॉक पार्क में कितना खर्चा हुआ है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा 11,450 करोड़। कितने करोड़? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कब राष्ट्रकूट वंश की शासक रहा था, कब राष्ट्रकूट वंश का शासक शासन रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 735 से 756 ईसा में दंत बर्बन या दंती दुर्ग प्रथम नाम के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 756 एवं 774 में दंती दुर्ग के चाचा कृष्ण के ने बद्री कीर्ति वर्मन को परास्त करके 757 ईसा में नवोदित राष्ट्रकूट साम्राज्य का अधिकार ग्रहण किया था। 774 से 780 कृष्ण के बाद गोविंद एवं सिंहासन पर बैठे थे। फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा कब तक शासन किया, कब से शासन रहा, तो 735 से लेकर 756 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्र में कितना प्रतिशत पानी होता है। तो राइट आंसर 54.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन में कौन से नियम का बल को परिभाषित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का पहला नियम। कौन सा हो जाएगा? न्यूटन गति का पहला नियम। बात करते हैं इसमें से कहाँ गया है, प्रत्येक वस्तु जब एक सीधी रेखा से एक समान गति से रहेगी तब तक किसी बाहरी बल की कार्रवाई एवं उसकी स्थिति को बदलने के लिए मजबूर ना किया जाए, यह बल को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, 2013-1328 में भारत किस राजवंश के पर ने आक्रमण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था, तैमूर वंश ने। किसने किया था? तैमूर वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में भुवनेश्वर के किनारे स्थित है सतकोसिया बाघ अभयारण्य में मध्य प्रदेश उड़ीसा के दो निकटवर्ती जिला स्थित है। तो फ्रेंड्स आज के इतने क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ लेके आए हूँ फ्रेंड्स। और आपको बता दें जिनको आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो मुझे 93 40 22 89 74 नंबर पर व्हाट्सअप करें एकदम रियल क्वेश्चन, जिससे मैं आने वाले शिफ्टों में एनालिसिस कर सकता हूँ। और फ्रेंड्स आपको बता दें अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर डेली एनालिसिस होते हैं दोनों शिफ्टों के साथ। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।